आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिन चुनाव पर खात्मे के बादल मंडरा रहे थे, अब चुनाव आयोग ने उन सभी आशंकाओं को खत्म करते हुए कोरोना और ओमिक्रोन के खत्मे के बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। देखिए चुनाव की तारीखों से जुड़ी प्राइम टीवी की ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 फेज में होंगे 5 राज्यों में चुनाव। यूपी की 403 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में 10 फरवरी से शुरू होगा मतदान, 7 मार्च को होगा अंतिम चरण का मतदान, 10 मार्च को होगी वोटों की मतगणना। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यूपी में पिछला विधानसभा चुनाव 2017 फरवरी मार्च में हुआ था, जबकि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीत कर सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले नेता हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यह चुनाव अब योगी के लिए अग्नि परीक्षा है। सूबे में बीजेपी की सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सूबे में जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए उतरे हैं। सपा ने यूपी में आरएलडी, सुभा सपा, प्रसपा, जनवादी पार्टी, महान दल सहित करीब 1 दर्जन छोटे दल से गठबंधन किया। जबकि बात अगर कांग्रेस की करें तो प्रियंका गांधी की अगुवाई में यूपी चुनाव में उतरी है। प्रियंका महिला कार्ड खेल रही है और 40% टिकट देने से लेकर उनके लिए तमाम घोषणाएं रख कर रखी है। वहीं 2022 का चुनाव बसपा के साथ साथ दलित राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है और 2007 की तरह ब्राह्मण दलित समीकरण बनाने में जुटी हुई है। इसके अलावा यूपी में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतों के सहारे सूबे में अपने पैर जमाने के लिए बेताब है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए चुनाव संबंधित कार्यक्रम की जानकारी साझा की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी चुनाव राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में 10 फरवरी को पहला फेज, 14 को दूसरा, 20 को तीसरा, 23 को चौथा फेज और 27 फरवरी को पांचवा फेज। लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए चुनाव संबंधित कार्यक्रम की जानकारी साझा की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में 10 फरवरी को पहला फेज, 14 को दूसरा, 20 को तीसरा, 23 को चौथा फेज, 27 फरवरी को पांचवा, 3 मार्च को छठा और 7 मार्च को सातवें चरण का मतदान होगा। जबकि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव होंगे। वहीं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। तो वहीं गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी एक चरण में ही वोटिंग होगी। और बात अगर मणिपुर की करें तो वहां 60 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। चुनावों का ऐलान करते हुए चुनाव आयुक्त ने कहा कि 15 जनवरी तक नुक्कड़ सभाओं, रैली, रोड शो पर भी रोक रहेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा वक्त में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, ऐसे में विधानसभा चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। जबकि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इस बारे में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर भी सूचित कर चुका है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जैसे चुनाव कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर का कारण बनके उभरा था, कहीं इस बार भी चुनाव तीसरी लहर का कारण बनके ना उभरे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।